दोस्तों देख लो, इस प्रकार से दूध की पैकिंग हो रही है और दूध को छान के बहुत ही अच्छी तरह से तैयार इसके अंदर थैली के अंदर डाल रहे हैं। और इधर ये सारी थैलियां हुई है भरी रखी है, सब थैली भर दी है दूध की, किसमें आधा लीटर है, किसमें एक लीटर है, किसमें दो लीटर है, सब देख लो भर दी है। और ये हर घर घर में जाएगी सारी दूध की थैली। तो एक किले का कितना दूध मतलब रेट है भैया? एक लीटर दूध का 60 रुपया, 60 रुपये रेट है। तो ये रेट है भैया ने बताइए। आप इस प्रकार से पैकिंग कर दी है देख लो, तो पूरे गांव में सेल करते हो? हाँ, बावड़ा में जाते हैं, पूरा बावड़ा। से 3000 रुपए किलो घी बिकता है गाय का, तो क्या कारण है तो मतलब इतना महंगा बिकता है, तो इसमें क्या फायदा मिलता है, इसका क्या लाभ है तो इतना महंगा बिकता है? इससे फायदा होता है वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज का वीडियो अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद में किस जगह से तो जानते हैं आज भैया से, और यहाँ का एड्रेस क्या है और कौन सा है डेयरी फार्म। तो नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आपका नाम? रविराज सिंह चौहान। और आपका एड्रेस? एड्रेस मेरे गांव का नाम है अधरोड़ा। अधरोड़ा, हाँ, जिला अहमदाबाद। जिला अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर अधरोड़ा गांव। हाँ, अधरोड़ा। तो आपके पास में अभी कितनी गाय है? 40 गाय है। 40 गाय में से कितना दूध देती है गाय? दूध देती है 17-18। 17-18 गाय दूध देती है, और दूसरी सारी गाय प्रेग्नेंट है अभी? प्रेग्नेंट है। तो आप जैसे कि ये दूध से गिर गाय सेल करते हो, सेल परचेज का काम? नहीं गाय का नहीं करते हैं। तो दूध सेल करते हो? दूध सेल करते हैं, दूध और घी दोनों सेल करते हो। तो आपका दूध गिर गाय का दूध कहाँ पे जाता है? बावड़ा में जाता है। किस रेट में जाता है? 60 रुपए 60 रुपए किलो में जाता है। तो एक टाइम का कितना हो जाता है दूध? एक टाइम का 65 लीटर हो जाता है। पूरे दिन का 120, हाँ 130 लीटर पूरे दिन का दूध हो जाता है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं घी सेल करते हैं, तो घी कहाँ तक जाता है आपका? घी अभी तो अहमदाबाद में जाता है, लेकिन पूरे इंडिया में कोई कांटेक्ट होगा, किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है, मतलब ऑनलाइन आप डिलीवरी कर सकते हो, होम डिलीवरी। और घी की क्या रेट है? 3000 रुपए 3000। तो जैसे कि 3000 घी की रेट है, तो आप बता रहे जैसे एक किलो घी तैयार करने में कितना दूध चाहिए? 38 से 40 लीटर एक किलो घी मात्र में चाहिए। तो इतना मतलब ज्यादा दूध होता है तभी एक किलो घी तैयार होता है, वो भी देसी। देख लो जैसे कि प्योर है भैंस का दूध, भैंस के दूध से हम घी तैयार करते हैं, तो एक या दो किलो में आराम से हो जाता है, 2 लीटर या 3 लीटर दूध में 1 किलो घी निकल जाता है। जैसे कैंसर की बीमारी होती है, और डायबिटीज होता है, कोई बीमार दर्दी है, उसको गुणवत्ता अच्छी रहती है और शरीर तंदुरुस्त भी रहता है, उसके लिए घी अच्छा है। और गिर गाय का घी स्पेशल ज्यादा अच्छा है। और जैसे कि दूध होता है तो उससे भी कैंसर के जो भी रोगी होते हैं, तो उनके लिए दूध का भी फायदा है। कैंसर का रोगी होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करता है गिर गाय का दूध। तो ये भैया आप तैयार करते हो घी, तो किस प्रकार से तैयार करते हो? घर पे तो दादी माँ बनाती। तो किस प्रकार से, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मशीनों से ऐसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो आप किस प्रकार से बनाते हो घी? मशीन से बनाते हैं। वो मशीन से बिलोते हैं घी को, बाद में लेते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो वो कैसे क्या करते हो गर्म? आप गरम हो सगड़ी चूल्हे पे चूल्हे पे करते हो या जैसे गैस पे करते हो? नहीं, चूल्हे पे, लकड़ी का चूल्हा लगा के देसी तरीके से, बहुत ही देसी तरीके से किया जाता है यहाँ पे, और अच्छी तरह से घी बनाया जाता है, कोई मिलावट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम प्योर। और पानी वगैरह दूध में कुछ मिलावट नहीं है, प्योर दूध के अंदर से घी निकाला जाता है। तो दोस्तों और इसके बारे में जानते हैं, इस गौशाला के बारे में। तो भैया आपकी गौशाला का नाम? जय गोगा गिर गौशाला। जय गोगा गिर गौशाला। तो आपने बताया कितने पशु आपके दूध देते हैं? 17 से 18 दूध देते हैं पशु। तो पूरे जैसे कि महीने का कितना दूध हो जाता है? महीने का दूध अभी तो आधा सुबह शाम का जाता है बावड़ा में जाता है, और सुबह का डेयरी में जाता है। तो जैसे कि इनका दूध मतलब आपको कितना फायदा मिल जाता है इनसे महीने में? महीने में 60-70 हजार का अभी फायदा होता है। हाँ, अभी तो। और जैसे आदमी रख रखे है काम करने वाले, तो कितने आदमी? 5 आदमी काम। 5 आदमी कितने पशु को हैंडल करते हैं? सब पशु को, 40 पशु। 40 पशु को 5 आदमी संभाल लेते हैं दूध निकालना सारा। तो 40 गायों है और नाने बछड़े बछड़ी होके 70-35 है।
तो आपके पास में जैसे कि वो सारा दूध आप बोल रहे हैं महीने का इतना बिल हो जाता है, तो सारा खर्चा निकाल के कितना फायदा मिल जाता है आपको? इतना 70-70 हजार, 60-70 हजार, जैसे कि खलियों में सारा चारा वगैरह सारा खर्चा निकाल के। तो आप अभी जैसे देख रहे हैं हम इनके पास में गाय है, तो सारी गाय बहुत ही एकदम तंदुरुस्त गाय है, बहुत ही अच्छी अच्छी गाय है इनके पास में। और ये अच्छा, जैसे गाय अच्छी है तो दूध भी इनका, दूध कैसे क्या है एक गाय का? एक गाय का दूध है 7 से 8 लीटर, 7 से 8 लीटर एक टाइम का। एक टाइम का। तो ये इधर का, ये इधर वाली सारी गायें हैं, तो ये अभी दूध देने वाली है या नहीं? ये प्रेग्नेंट गाय है, सारी प्रेग्नेंट है, ये सब प्रेग्नेंट है, सारी दूध देने वाली अभी नहीं है। तो कितने दिनों में जनने वाली, बच्चा देने वाली है ये? अभी एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लेगी, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लेगी। तो ये इनको अलग क्यों बांध रखा है आपने? इसका क्या खोराक वो खाने अलग का अलग है, अलग अलग है, उनका अलग है, इसलिए इनको अलग कर दिया, प्रॉब्लम नहीं होता इसीलिए। बहुत अच्छी है। और तो भैया जैसे कि वो पानी की सुविधा देखी मैंने, ऐसी मतलब ऐसी सुविधा बहुत सारी जगह गए हम, पर इतनी अच्छी सुविधा कहीं पे भी नहीं लगी। मतलब आपने ये क्या सोच के ये सुविधा बनाई है पानी के लिए? बारिश के मौसम में दिक्कत नहीं होती है गायों को भी और अपने आदमी को भी, इसीलिए यहाँ से वहाँ पे मोटर शुरू करके यहाँ पे सब गाय पानी, हर एक गाय को यहाँ पे एक एक गाय को पानी पिला देते हैं, गाय को बाहर नहीं ले जाते हैं। नहीं, अभी हम बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं बाहर, पानी के लिए वहाँ पे ले जाते हैं। और बाद में ये जैसे बाद में बारिश का मौसम होता है तब यहाँ से बाहर नहीं निकालना पड़ता है, यहीं पे आराम से पिला देते हो। तो भैया जैसे कि आप फीड में क्या क्या खिलाते हो, फीड कब खिलाते हो? अब फीड हम दो टाइम खिलाते हैं, सुबह शाम दोनों के। तो क्या क्या देते हो उसमें? कपासिया का खोर और मकई का पड़ा, मकई का जैसे ही वो चापड़ होता है वो, और कपास की खड़ होती है वो, और कुछ मिक्स नहीं करते? नहीं, उनमें हम हरदर नाखते, हल्दी नाखते, जावंत्री नाखते, हल्दी जावंत्री और कपासिया की खल जो हम बोलते हैं, जैसे कि बिनोला खल है और जैसे मक्की का चापड़ है, ये सभी प्रकार का फीड मिक्स करके गाय को देते हैं। और एक टाइम का कितना देते हैं? एक टाइम का एक गाय को 5 से 7 किलो देते, 5 से 7 किलो देते हैं एक टाइम का। और गाय जैसे कि आपने बोला कि 7 से 7 लीटर से स्टार्ट है, 7-8 लीटर तक इनके पास में गाय। और यहाँ पे सेल परचेज का काम नहीं किया जाता है, एक बार वापस बता देती हूँ, यहाँ पे केवल घी सेल किया जाता है और दूध सेल किया जाता है। तो किसी भी भाई को चाहिए तो यहाँ से कॉन्टेक्ट करे भैया से और घी ले यहाँ से, बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत ही नेचुरल तरीके से घी तैयार करते हैं और कोई फ्रॉड का काम नहीं, एकदम मस्त अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में ये मतलब घी तैयार करते हैं, कोई मिलावट वगैरह कुछ नहीं करते। और जैसे आपको चाहिए कि ताजा घी हमें एक दिन दो दिन पहले का चाहिए, तो यहाँ पे एक दो दिन पहले का तैयार किया हुआ आपको मिलेगा, ज्यादा पुराना भी नहीं मिलेगा, अच्छा नया घी मिल सकता है। और भैया से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। जी, हरे में क्या खिलाते हो आप? हरे में अभी बुलेट घास है, हाँ? वो खिलाते हैं। और हमारे यहाँ सियारू कड़प उगती है, वो हाँ? पानी के बिना, हाँ, पानी के बिना जमीन में उगती है, वो खिलाते हैं। जैसे कि ज्वार खिलाते हैं और निपियर खिलाते हैं यहाँ पे, तो कितने टाइम खिलाते हैं आप? हम तीन टाइम डालते हैं, सुबह दोने के बाद और बपोर 1-2 बजे और शाम को 5-6 बजे डालते होंगे। सूखा और हरा दोनों खिलाते हो? मिक्स करते। तो जैसे कि भैया मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपकी एज क्या है सबसे पहले? तो मेरी एज 19 साल की। 19 साल की है। तो जैसे कि कोई भी नया युवा राजस्थान का या गुजरात का कोई भी नया युवा डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो आपके नॉलेज के हिसाब से क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो सभी भाइयों को कि कैसे क्या करना चाहिए, आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे क्या, आप क्या सेल करते हो? आपके यहाँ पे सारी गायें आपने रख रखी है, तो सारी जिम्मेदारी के साथ में आप सारा काम संभाल लेते हो, तो कैसे क्या करना चाहिए किसान, मतलब कोई भी डेयरी फार्म वाला हो तो? अभी मैं तो यहाँ पे दूध और घी दोनों सेल करता हूँ, गाय तो सेल नहीं है यहाँ पे, और दूध और घी दोनों सेलिंग में है यहाँ पे, और मैं यहाँ सब हैंडलिंग करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? 1.5 साल हो गया। तो आपको पूरा नॉलेज है किस प्रकार से क्या करना है? पूरा नॉलेज। तो आप पढ़ाई भी करते हो? कॉलेज शुरू है। तो आपको क्या रुचि लगी जो आप पढ़ाई से भी ज्यादा इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हो? नहीं, वो तो क्या एक तरफ ये शुरू किया और पढ़ाई तो शुरू थी, इसी
पढ़ाई का साथ साथ में ये भी शुरू कर दिया। दोनों चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, ये भी चल रहा है, तो आपको कुछ लगा फायदा इसलिए आप इस फील्ड में आए? फायदा तो आपके हिसाब से कोई भी नया हुआ हो तो इस फील्ड में आना चाहता है तो किस प्रकार से आना चाहिए, अच्छा है या नहीं है ये फील्ड? अच्छा है, अच्छा है, इसीलिए अच्छा है। पहले शुरुआत एक दो गाय से करनी चाहिए, फिर उसको अच्छा लगे तो एक दो बढ़ानी चाहिए और धीरे धीरे करते स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा तो उसको जैसे कि फायदा मिलेगा, उसको नॉलेज भी आ जाएगा। तो आपके हिसाब से डेयरी फार्म नया युवा करना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए आज दिखा देती हूँ मैं इस डेयरी फार्म में कितनी गाय है और किस प्रकार की गाय है। तो सारी गिर नस्ल की गाय है इधर, जैसे कि ये सारे बछड़िया है या बछड़े? नहीं बछड़ी है, बछड़िया है सब। तो ये अभी कितने महीने की होगी? ये अभी 8 से 10 महीने की होगी। तो ये दूध पीने वाली है? नहीं पीने वाली, दूध पीने वाली नहीं है, दूध पीने वाली नहीं है, इसलिए सबको अलग अलग रखते हो। जैसे कि उधर देखा तो सारी प्रेग्नेंट है गाय और इधर ये सारी बछड़िया जो दूध पीने वाली नहीं है, दूध नहीं पीते है। तो ये इधर है जो ये गाय, ये सब प्रेग्नेंट है, ये सब प्रेग्नेंट है, उधर वाली सब प्रेग्नेंट है। दूध देने वाली गाय किधर है? दूध देने वाले के अंदर। तो दोस्तों देख ले इधर भैया, जैसे ये गाय है सारी दूध निकालने वाली, ये सब दूध देती है। तो ये सब जैसे कि कितना दूध हो गया, सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय दूध देती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा वो आपने शुरू में दिखी ना, शुरुआत में दूध निकाला वो गाय देती है। कितना दूध देती है वो? और 7-8 लीटर देती है, 7.5-8 लीटर, 7.5-8 लीटर के समथिंग दूध देती है। जैसे कि कम भी हो जाता है, बच्चा भी रहता है। इधर ये मिल्किंग कर रहे हैं, देख लो सारी गायें इधर दूध निकलाने वाली है और इधर भी ये सारी गायें दूध निकलाने वाली है। तो आगे देख लो, जैसे कि आप सभी गायों को दूध निकालते समय फीड रखते हो? दूध निकालने के तो ये खाद फीड खाती जाती है, दूध निकला देती है। तो नहीं रखते तो भी निकला देती है दूध? तब भी निकाल देती है। पर आप जैसे कि दोनों काम साथ में हो जाते हैं, ये भी आराम से खाती रहती है। और इधर सारे गुजरात में बहुत सारी जगह गए, हम सभी ऐसे ही करते हैं, आगे फीड रख देते हैं, बाद में मिल्किंग करना स्टार्ट कर देते ताकि आसानी से हो जाती है। पीछे वाले पैर बांध रखे सारी गायों के। और उधर देख लो, उधर वो बुल है। तो बुल तो सेल करोगे, बुल तो बेचोगे? बुल तो ये बुल है, देख सकते हो बुल सेल के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो किसी को भी चाहिए बुल तो आप यहाँ से खरीद सकते हो ये बुल। तो देख लो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बना रखी है, नेचुरल तरीके से, और नीचे मिट्टी है और मैट बिछा रखी है, आराम से गाय को तकलीफ ना हो। तो भैया आपको कितना टाइम लगा, कैसे क्या इसको बनाने में कितना इन्वेस्ट लग खर्चा है हुआ आपके? इससे भी अच्छा हम बना रहे हैं, आगे इसके पास में बगल में ये वहाँ पे, इससे भी अच्छा और बहुत बड़ा बना रहे हैं। हाँ, तो इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ आपको? इसमें हमें इन्वेस्ट हुआ है शेड बनाने में 7-1 लाख रुपए। 7-1 लाख रुपए हुए, 7 लाख रुपए हुए। और बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है, आप देख सकते हो सब बछड़ियों और बछड़े सबके लिए अलग अलग है। और भैया ये इधर ये व्यवस्था कर रखी है आपने, जैसे कि ये ड्रम को काट के घर पे काटा या मतलब बाहर से लेके आया आप? नहीं नहीं, घर पे ही काटा, ये घर पे काट के आपने बनाया। तो देखते हैं किस प्रकार से बनाया हुआ है, ताकि कोई भी देखने वाले किसान भाई को भी अपने घर पे बनाना हो इस प्रकार का सेट तो बना सकते है खाने के लिए। देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना, गिरता भी नहीं है, इसके अंदर फंसा हुआ है और ये लगा हुआ है, इसके प्लास्टिक का इसमें ये एंगल फंसा रखी है तो आराम से इधर उधर नहीं जाता। तो आपने क्या सोच के कहाँ पे देखा था आपने ये? नहीं देखा नहीं था, दिमाग में आइडिया आया था, इसीलिए आइडिया नई शुरुआत थी, इसीलिए अलग अलग खर्च बचाने के लिए आइडिया अपनाया आपने। व्यवस्था पहली बार देखी है जो हाथ से काट के व्यवस्था बनाई है गायों के लिए। तो इसमें देख लो आप पानी भी डालना चाहो तो भी इसमें पानी डाल के अच्छा आराम से पानी भी पी सकती है गाय, और खाना भी डाल सकते हो इसमें, फीड भी डाल सकते हो, चारा कुटी सब डाल सकते हो। तो भैया आपके पास में अभी 40 गाय, तो और कितनी बढ़ानी है आपको? अभी मेरा टारगेट 200 जितना है, 200 गाय जितना, 200 गाय करनी है, 200 गाय करनी है। तो 200 गाय करोगे तो बाद में इतना दूध होगा उसको क्या करोगे? अभी क्या कर रहे हो बाद में? बाद में घी के ऊपर बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। तो अभी कैसे क्या चल रहा है आपके घी के ऊपर? घी के ऊपर अभी काम शुरू है, अभी सेलिंग होता है हमारा घी 3000 रुपए में। 3000 रुपए में कहाँ तक कहाँ कहाँ जाता है अभी? अहमदाबाद जिले में, पूरे अहमदाबाद जिले में जाता है पूरे अहमदाबाद जिले में आपका घी। और बाहर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकता है आराम से। किसी को भी चाहिए,
क्योंकि आज मैं कितना भी चाहिए तो आपके पास में अवेलेबल है। अवेलेबल होगा, जो ऑर्डर देगा उसके दो तीन बाद उनको ऑर्डर मिल जाएगा। हम पुराना घी नहीं बेचते, और नया ताजा घी, नया ताजा, जैसे ऑर्डर आएगा वैसे ताजा घी बेचते। जैसे कोई भी ऑर्डर कर देगा मेरे को घी चाहिए, तो उसके तीन दिन बाद में आप बना के नया तैयार करके उनको सेल कर देंगे। तो अगर किसी भी भाई को ताजा घी लेना हो तो यहाँ मिलेगा आपको ताजा घी, और भैया के कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगी तो पूरे वीडियो में भैया के कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। तो आपको ताजा घी खरीदना हो तो यहाँ से कॉन्टेक्ट करें बहुत सारे। तो दोस्तों देख लो, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देख लो दो बच्चे हैं, गिर गाय कितनी शांत स्वभाव की होती है। जो दो बच्चे हैं और दोनों इसके नहीं है, तो भी ये दूध इसको पिला रही है दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चे साथ में पी रहे हैं और एक ही साइड। तो जैसे कि इस गौशाला का नाम रखा है जय श्री गोगा महाराज गौशाला, तो उसी के नाम के इनके नाम के आधार पर रख रखा है। आप देख लो ये मंदिर बना रखा है छोटा सा, और यहाँ पे नाग देवता बिठा रखे है, तो ये स्टेचू बना रखा है नाग देवता, और ये दूध है इसके अंदर देख लो आप, ये दूध है। तो ये रख रखा है, अभी तो नाग देवता आएंगे यहाँ पे, कोई आदमी नहीं होगा तब यहाँ से दूध पी के चले जाएंगे। इन्हीं के नाम के आधार पर ये गौशाला का नाम रख रखा है, बहुत बढ़िया है। देख लो के कर्मचारी है जो यहाँ पे गाय को संभालते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गाय को संभालते हैं। सभी देख सकते हो आप, ये सब यहाँ पे 40 गाय है, तो 40 गाय को ये सब अंकल जी और ये भैया संभालते हैं, और ये भैया मैनेजमेंट का देखते हैं। ये भैया है जो नए, जो युवा है जो। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मैं निकाल के हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।